यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय ऑफिशियल रूम। सो गाइस, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अगर Redmi 4 में आपका MI लॉक लग जाए तो आप उसे किस तरीके से बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मैंने ढक्कन खोल रखा है दोस्तों, क्योंकि ढक्कन खोलने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको पहले किनारे कर देता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो मेरा MI लॉक लगा हुआ है किस टाइप का दिखता है। पहले हम उस फोन को ऑन कर, फोन ऑन है हमारा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज लॉक्ड, दिस डिवाइस एसोसिएटेड बाय, और यहाँ पे आपका MI लॉक का पासवर्ड मांग रहा है जो मुझे नहीं पता है। तो मैं सिंपली उसको किस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ यूजिंग बाय EDL विदाउट फ्लैशिंग। दोस्तों विदाउट फ्लैशिंग आप किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं, तो विदाउट फ्लैशिंग रिमूव करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। उसके लिए आपको पहले अपने फ़ोन को, फ़ोन के ढक्कन को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद ध्यान रखिएगा आप एक चीज़ का, और रिमूव करते वक्त अपने पत्ते का ध्यान रखिएगा। अगर आपने रिमूव करते वक्त जल्दी से घिस दिया तो आपका पत्ता कट सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ कर लेते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो चलिए उससे पहले स्विच ऑफ मत कीजिए, ऐसे डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने काम पर। तो आप काम सिंपली ये है कि आपके पास एक पेचकस होना चाहिए। पेचकस के साथ साथ आपको सिंपली अब क्या करना है, अब मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ठीक है, इसको हटा देते हैं जूम करके कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 नट है उसको खोलना होगा। तो चलिए खोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली देख सकते हैं दोस्तों कि हमने सारे नट खोल लिए हैं और हमारा जो फ़ोन का कवर है वो रिमूव हो चुका है। अब बेसिकली आप इसको बैटरी को पहले हटा लीजिए जिससे आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए बैटरी को हटा लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने बैटरी को हटा लिया। हटाने के बाद सिंपली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो आपका क्वालकॉम मोड है। ठीक है, क्वालकॉम मोड है जो, वो आपका इन दो पॉइंट से होगा, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना होगा। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को दोनों को एक साथ शॉर्ट कर देना होगा। शॉर्ट करते ही आपका EDL मोड ओपन हो जाएगा। देन आपको फ्लैश नहीं करना है दोस्तों, फ्लैशिंग नहीं करनी है इसमें, डायरेक्टली आपको अनलॉक करना है विदाउट फ्लैशिंग। वो तरीका मैं आज बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने फ्लैशिंग वाली बहुत सारी वीडियोज़ नेट पर अवेलेबल हैं, बट ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। इससे आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आसानी से आपका MI लॉक भी रिमूव हो जाएगा। तो पहले ये दोनों पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को शॉर्ट करना होगा। तो चलिए PC पर चलते हैं और शॉर्ट करके फ़ोन को कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा EDL मोड ओपन हो रहा है या नहीं। तो चलिए PC पर चलते हैं।
सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, और उस ट्रिक से इसमें सिर्फ MI लॉक को आराम से रिमूव कर सकते हैं MI अकाउंट को। तो चलिए वेट करते हैं अपने फ़ोन का ऑन होने का। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, और हमने उसके थ्रू इसमें से जो MI लॉक है उसको आसानी से रिमूव कर दिया है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए इसमें से भी, नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर लीजिए, फिर स्किप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, फिर स्किप, फिर नेक्स्ट। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा MI अकाउंट आ रहा था वो रिमूव हो चुका है, तो नो थैंक्स, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री, फिर यस, नेक्स्ट और ओके। तो आपका स्टार्टअप मतलब आपका जो फ़ोन है वो एक तरीके से स्टार्टअप कंप्लीट हो रहा है। यू आर रेडी टू लुक रॉक, मतलब आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है। थोड़े दिन बाद जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे लोड लेगा, और उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। तो हम वेट करेंगे कितनी देर में हमारा ये फ़ोन ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले ही मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप हमारा जो फ़ोन है पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से अपने Redmi 4X में आसानी से, मैंने पहले Redmi 4 बोला था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, Redmi 4X है, ये 4X है, ठीक है, Redmi 4X है। तो उसमें से किस तरीके से आसानी से अपना MI अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं विदाउट फ्लैशिंग। आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई दोस्तों कि विदाउट फ्लैशिंग की वीडियोस नेट पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि चलो विदाउट फ्लैशिंग किस तरीके से मैं MI अकाउंट को रिमूव कर सकूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आशा करता हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर कोई सुझाव या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो आपके, आप जब ऐसा कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और आशा करता हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने के बाद शेयर भी कर देना और कमेंट भी करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑफिशियल रोम।